जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे श्लोक जो आपके जीवन को यही स्वर्ग बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में हर चीज स्वतः ही अपने आप अच्छे से घटित होने लगेगी, समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी, आपकी लाइफ में हर वो कार्य आपके तरीके से होने लगेगा जो कार्य आप करना चाहते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है आज बताऊंगी मैं आपको कुछ ऐसे श्लोक जो जीवन बदलने वाले हैं। दोस्तों सूर्योदय के पूर्व के प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या कार्य आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार ये सवाल उठकर आता है कि सूर्योदय से पहले तो कई लोग उठते हैं तो अपने जीवन के लक्ष्य को वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, और ये बार बार क्यों होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपको प्राप्त होता है। इन सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ब्रह्म मुहूर्त, वैज्ञानिक खोजों में क्या पता चला वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं कौन, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो आपके लिए आती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन में भरती है बड़ी बड़ी खुशियां। हर मंत्र का एक करने का तरीका होता है, हर उपाय करने का एक तरीका। कोई भी टेक्निक तभी काम करती है जब उसको सही तरीके से आप करते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां अगर आपको पसंद है और आप भी मंत्रों की में इंटरेस्टेड रहते हैं और तरह तरह के मंत्र अपने जीवन को ठीक करने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में आप इंटरेस्टेड हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इतना खास क्यों है और क्यों करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में इन दो श्लोकों का पाठ। सिर्फ दो श्लोक आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक शोधों में पता चला कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन, जिसे प्राण वायु भी कहते हैं, सबसे अधिक यानी 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और शरीर की सफाई भी होती है। दोस्तों वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस समय में उठना आयुर्वेद के अनुसार भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। रात में आराम करने के बाद सुबह जब आप उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में नई स्फूर्ति, नई ताजगी बनी रहती है। इसलिए जब आप इन श्लोकों को पढ़ते हैं, जपते हैं, तो आपको वो ऊर्जा, वो एनर्जी प्राप्त होती है जिससे आप अपने जीवन की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण करते हैं। दोस्तों आपने देखा भी है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, उनके पट खुल जाते हैं। सुबह सुबह श्रृंगार पूजन ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाते हैं। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण और वेदों के अनुसार भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में भी ये बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय में आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अपने ग्रहों को सही जगह पे लाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी कुंडली में ग्रह अलग अलग तरह से हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में उठकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो हर ग्रह आपको सही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रार्थना ईश्वर की जरूर करें।
ध्यान करें, अध्ययन करें, इनमें से कोई एक काम तो जरूर करें, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही काम कई गुना बढ़कर आपके जीवन में आएगा। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उठते ही सबसे पहला काम होता है आपका क्या करने का। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो सबसे पहले हथेली दर्शन करते हैं। ये आपने अपने घर में किन्हीं न किन्हीं से ज़रूर सुना होगा, हथेली दर्शन। दोनों हाथों को जोड़कर आप अगर करते हैं तो आपको आपके जीवन में हर चीज़ प्राप्त होगी। हथेली दर्शन करते समय आप इस मंत्र को जरूर बोलें, और वो मंत्र है करागेवस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभावते कर दर्शन। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान और उत्साही होते हैं, सोते रहने वाले का जीवन निस्तेज हो जाता है। इस मंत्र के द्वारा आप माँ लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा हर किन्हीं को याद करते हैं और ये आपके जीवन में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। लक्ष्मी आती है स्थिर लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, सरस्वती भी आपके मन में आपके दिल में निवास करती है, और ब्रह्मा यानी खुद आप ब्रह्म बनकर अपना भविष्य खुद रचते हैं। इसीलिए ये तीनों आपके जीवन में बहुत आसानी से कार्य करना शुरू कर देती है जब आप हथेली दर्शन करते हुए इस श्लोक पाठ करते हैं। तो दोस्तों, उठते ही आपको हथेली दर्शन करना है और हथेली को देखते हुए इस श्लोक को एक बार बोलना है। उसके बाद आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, जो पूजा पाठ आप करते हैं वो करें और उसके साथ इस मंत्र का जाप करें। लेकिन उसके पहले ये जान लें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी कोई निगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, किसी से बहस, किसी से वार्तालाप, या फिर ज़्यादातर ऊंची आवाज़ में अपशब्द बोलना, ये सारी चीज़ें ब्रह्म मुहूर्त में कभी ना करें। किसी भी प्रकार के आप ऐसा कार्य ना करें जो किसी को चोट पहुंचाए या आपको चोट पहुंचाए। आप इस समय को ध्यान, आरती, पूजा पाठ में लगाएं। जोर जोर से पूजा या आरती करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय ध्यान की ज़रूरत है, ये समय आपके अध्यात्म का होता है। तो दोस्तों, दूसरा मंत्र है जो आपको पूजा के समय जपना है, और वो मंत्र है जो आपके हर ग्रह को शांत रखेगा, क्योंकि इसमें 9 ग्रह को शांत रखने की ताकत है। ये एक मंत्र 9 ग्रह को शांत रख सकता है, और वो मंत्र मैंने स्क्रीन पे भी दिया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसे आप 108 टाइम आप जपेंगे, और इसे जपने मात्र से आपके जीवन में हर ग्रह निगेटिव प्रभाव छोड़कर पॉजिटिव प्रभाव देने लगेंगे। इस मंत्र के जाप करने से साधक को देवी देवताओं का कृपा मिलने लगता है, सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपसे दूर होने लगती है और ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। 9 ग्रह हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं, और वो महत्व इसलिए है कि उनके निगेटिव होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, और पॉजिटिव होने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जब वो शांत होते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी देते हैं और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इन दोनों मंत्रों को जपकर अपने लिए अपने जीवन को स्वर्ग बना पाएंगे। तो आज की जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई।